तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, क्रेजी गेमर में स्वागत है। कॉन्करन पुश टेप एंड ट्रिक्स वीडियो लाया हूँ। तो ये ओल्ड वीडियो है, BGMI बैन था तब मैंने खेला था। तो ये थोड़ी सी गोल्ड प्लेटिनम की लॉबी है, तो थोड़े बॉट मिलेंगे, लेकिन 10 किल के साथ चिकन निकलने वाले हैं। ठीक है, 10 किल के साथ चिकन निकलने वाले हैं। तो आपको कॉन्करन पुश कैसे करना है वो अभी अच्छे से वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो। अभी पुश कर रहा हूँ, लेकिन एज तक आप माइनस नहीं जाओगे। अभी 2 वीडियो आएगी सर्वाइव करके कैसे रैंक पुश करना है। तो शुरू में तो यहाँ पे मैं उतर के दो तीन लोकेशन पर मैं लूट के 3-4 बोट मार के आगे की गेम प्ले दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगा मेरी कौन सी रैंक चल रही है। और जी हाँ दोस्तों, मैंने कॉन्करन कर लिया है। जो मेरी पिछली वीडियो में नहीं देखा था वो देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सोलो कॉन्करन पुश टेप एंड ट्रिक्स। तो मैंने सोलो में एक बार ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ था, तो मैंने FPP में कर लिया था, वो भी एस डोमिनेटर के बाद। ठीक है, तो कॉन्करन तो बहुत हार्ड है, सोलो डुओ आप किसी भी टायर में करो, मतलब ठीक है, आप सोलो स्क्वाड में तो मुश्किल है, आप सोलो डुओ किसी में भी करो। आप स्टार्टिंग से करोगे तो आप एस मास्टर से पहले या एस मास्टर तक आप कॉन्करन कर पाओगे, नहीं तो बहुत हार्ड है, एस डोमिनेटर के बाद ही मिलेगा कॉन्करन। तो यहाँ पे मैं मेरी रैंक क्या कित चल रही है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं एक बोट को मार लेता हूँ और 2-3 लोकेशन पर लूट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जब तक आप लोगों को भी बताता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करके ही रैंक पुश करनी है, नहीं तो हैकर बहुत आ रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो आपको 30-35 बंदे हो जाएंगे बाद में ही आपको जन में जाना चाहिए, नहीं तो आपका माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो आप एस तो कर लोगे, ठीक है, आपके पास रेटिंग प्रोटेक्शन वाले कार्ड होंगे। तो मेरे एस तक तो माइनस नहीं गया सोलो में, तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अच्छे से बताऊंगा। लेकिन ये चिकन निकाला है तो थोड़ी सी टिप एंड ट्रिक्स इसमें भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा लूट कर लेता हूँ। तो बहुत लंबी वीडियो थी, 35-35 मिनट की वीडियो थी, लेकिन मैंने कट कर लिया थोड़ा। तो यहाँ पे मैं 5 रियल एनिमी मारूँगा और 5 बोट मिलेंगे मेरे को, और 10 किल के साथ चिकन निकलने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे कि बताया आपको सर्वाइव ही करना है। अभी 88 बंदे अलाइव है अभी, तो यहाँ पे आपको सर्वाइव करने हैं। 50-60 बंदे हो गए, मतलब 50 के ऊपर बंदे हो गए, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और आपको जन में ही पड़े रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लूट लेनी है, जितनी हो सके उतनी हेल्थ ले लेनी है, मेडिकेट या हेल्थ किट ब्रांडेड जो भी हो सब कुछ आपको भर भर के लेना है। और यहाँ पे आपको जोन में ही आपको बैंडेज लगाते रहना है और बूस्ट कर लेना है फुल। ठीक है, बूस्ट आपको फुल कर लेना है, तो आपको जोन में सर्वाइव के लिए काम आएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्थ लेनी है और जोन में ही आपको सर्वाइव करना है लास्ट तक। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अच्छे से बताऊँगा। तो मेरा जो अभी का रैंक पुश है उसमें एस तक माइनस नहीं गया हूँ, एस मास्टर तक भी माइनस नहीं गया हूँ। मेरी गलती की वजह से मैं 3 बार माइनस गया हूँ, वो भी 36, 32 और 22 का माइनस तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अभी मैं जो लास्ट मैच खेला था उसमें 5 किल के साथ टॉप 12 आया। ठीक है, टॉप 10 नहीं किया, टॉप 12 किया, टॉप 12, फिर भी मेरे को 6+ मिला। ठीक है, तो कॉन्करन करना बहुत हार्ड है, अभी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं बताऊंगा। तो कॉन्करन करना बहुत ही हार्ड, मतलब बहुत ही हार्ड है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ठीक है, आपको कॉन्करन टाइटल लेना है तो आपको स्टार्टिंग से ही, मतलब पहले दिन से ही रैंक पुश करना है। मैंने पहले दिन से रैंक पुश नहीं स्टार्ट किया, फिर भी अच्छे से खेला और 4 दिन में क्राउन एस लगा दिया और एस डोमिनेटर पे नहीं गया हूँ। फिलहाल अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
अभी आज के दिन 80 का माइनस लगा मेरे को, वो भी हैकर की वजह से, ठीक है, मेरी गलती की वजह से 35 माइनस गया और हैकर ने 60-70 माइनस लगा दिया, ठीक है। तो इतना परेशान हो चुका हूँ, क्या है, कितना गुस्सा है, अभी BGMI खेलना छोड़ दूँ ऐसा मेरे को ख्याल आ गया, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ, अभी 4-5 दिन और ट्राई करने वाला हूँ। अभी मेरी रैंक क्या चल रही है वो अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं जैसे तैसे करके सर्वाइव कर लेता हूँ। 3 किल के साथ अभी 50 बंदे अलाइव है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा गाड़ी लेके निकलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक तरीके से रश जैसा ही खेलता हूँ इस गेम प्ले में, ठीक है। तो 2-3 गेम प्ले मेरी और भी है पुरानी, तो वो भी डालूँगा, तो फिलहाल तो मैं ये रश जैसा ही खेलता हूँ। हैकर थोड़े कम आ रहे थे, मतलब जो लॉकडाउन की गेम प्ले है, ये BGMI बैन था तब की गेम प्ले है, तो मैंने स्पेशल गेम प्ले, तो अभी 3-4 गेम प्ले और है तो वो वीडियो आएगी। तो मैं तो सिर्फ सोलो रैंक पुश की गेम प्ले बनाने के लिए खेला था, BGMI बैन था तब, तो ये असली बंदा था, इसको मैं मार देता हूँ। अब इसके बाद 2-3 बॉट आएंगे, तो फिलहाल 4-5 गेम प्ले और है, तो एक अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ और 3-4 और है, तो उसमें मैं रस जैसा ही खेला था, ठीक है। स्पेशल यहाँ पे मैं सोलो रैंक पुश की ये वीडियो बनाने के लिए खेला था, तो मैंने रस जैसा ही खेला। लेकिन अगर आप सीरियसली खेलते हो जो अभी मैं खेल रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मेरी रैंक कितनी है, कितना माइनस किया है, वो मैं सब बताऊँगा। और फिलहाल के लिए बताता हूँ, तो एज तक माइनस नहीं किया, इस तक आपका रेटिंग प्रोटेक्शन लगेगा, तो प्लस भी आप अच्छे की गई थी, 8-9 किल किए थे, फिर अच्छे प्लस मिले और 4 दिन में ही एस लग गया, और एस मास्टर भी मेरा 6-7 दिन में लग गया, उसके बाद तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, आप खेलते हो तो पता होगा, एस मास्टर के बाद आप 4-5 किल करोगे तो आपको मुश्किल से 14-12 प्लस मिलेगा, वो भी आपको टॉप 10 टॉप 15 करने के बाद, 5-6 किल करने के बाद आपको 14 या 15-16 का प्लस मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा 5 किल हो चुका है जैसे तैसे, तो बहुत मुश्किल है कंकरन करना। तो बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की, तो यहाँ पे मेरे को एक और बोट मिलता है, उसके बाद हम 2-3 रियल प्लेयर को मारेंगे और चिकन निकालेंगे, ठीक है। तो ये प्लेटिनम की लॉबी थे, तो बोट मिल रहे थे और रियल प्लेयर भी हमको मिल रहे थे, तो हमने किल भी कर लिया। तब बाकी बात करता हूँ, तो मैं इस मास्टर के बाद आपकी लॉबी बहुत हार्ड हो जाएगी, जैसे मैंने बताया, आप 4-5 किल करोगे और टॉप 10 टॉप 15 निकालोगे तो आपको मुश्किल से 12 या 14 या 10-12 का प्लस मिलेगा, तो बहुत हार्ड है इस मास्टर के बाद। तो आप जितना हो सके आपको इस मास्टर से पहले ही आपको कॉन्करन लगा लेना, ठीक है। 4800, ठीक है, मतलब 4800 पॉइंट होने के बाद, मतलब एस मास्टर यानी 4700 पॉइंट से पहले, यानी एस मास्टर से पहले ही आपको कंकरन लगा लेने की ट्राई करना है, तो आपका जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत हार्ड है। अगर आप एस डोमिनेटर के बाद कंकरन लगता है तो आपका बहुत मुश्किल है। तो मैंने FPP में कंकरन किया था, तो FPP में कंकरन कैसे करना है वो लीक में मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, दो भी वीडियो आएगी, लेकिन आपको बताता हूँ कंकरन करना बहुत हार्ड है। जितना हो सके आप पहले दिन से ही रैंक पुश करना स्टार्ट कीजिए, एस मास्टर से पहले कंकरन लगा दीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। एस मास्टर तक आपको माइनस भी इतना नहीं लगेगा और लॉबी भी इतनी हार्ड नहीं आएगी जितनी एस मास्टर के बाद आती है, ठीक है। तो एस मास्टर के बाद आपको प्लस भी बहुत कम मिलेगा और लॉबी भी हार्ड आएगी। जितना हो सके आपको इस मास्टर से पहले ही आपको कंकरन लगा लेना है, नहीं तो आपका आप बहुत थक जाओगे रैंक पुश करते करते, आप टॉप 30 करोगे और हैकर आपका
मार देगा और आपको इतनी मेहनत एक घंटा भी करने के बाद आपको 0+ मिलेगा तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल है कंकरण करना, इतना आसान नहीं है कंकरण करना। तो जितना हो सके मैं बताता हूँ, जितना हो सके आप इस मास्टर से पहले ही कंकरण लगाने की ट्राई करना। तो मैंने 10 दिन बाद ट्राई किया था इसलिए मेरा अभी हार्ड है कंकरण। अगर मैं पहले दिन से ही कंकरण स्टार्ट करता रैंक पुश तो मेरा लग गया होगा, सॉरी लग गया होता कंकरण। अभी तो होगा या नहीं तो ये तो मैं नहीं जानता हूँ। तो फिलहाल तो एक बंदा आ रहा है बहुत, ठीक है। तो और मेरे आईफोन ले लिया है मैं तो उसकी वीडियो आएगी। अभी तो इतना माइनस आ गया, आज इतना माइनस गया हूँ हैकर की वजह से कि आईफोन बेकार लिया। पबजी के लिए ही आईफोन लिया है और ओवरऑल लिया है ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के, लेकिन ख़ास तो पबजी के लिए ही, गेमिंग चैनल को बूस्ट करने के लिए, अच्छी गेम प्ले बनाने के लिए लिया था। और ठीक है, लेकिन ऐसे मेरे को लगता है कि अभी मैंने पैसा बर्बाद किया, ऐसा मेरे को लगता है। तो हैकर ही आ रहा है, ठीक है। अगर ग्लोबल में यूसी डाली जाती तो यहाँ पे मैं खेलता ही नहीं बीजीएमआई, ठीक है। तो बीजीएमआई तो क्या ही, अभी डिलीट कर देता हूँ ऐसा मेरे को मन हो गया है। इतना हैकर पहले दिन से ही हैकर, 25 की KD 11 की KD सिर्फ हैकर भरे हैं। सोलो डुओ स्क्वाड सब में लीडर बोर्ड में हैकर ही हैकर है, ठीक है। ग्लोबल ही बेस्ट है, ग्लोबल में हैकर आते ही नहीं है। ग्लोबल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है, हैकर हैक डालेंगे तो आईडी तुरंत बैन हो जाएगी। और यहाँ पे बीजीएमआई में तो क्या ही खेलना है, पूरा हैकर का गेम है बीजीएमआई, ऐसा ही मैं बोलता हूँ। हैकर कब बैन हो गए वो तो नहीं मालूम, थोड़े थोड़े बैन हो रहे और एक बैन हो रहे और 50 हैकर आ जाते, ऐसा मामला है फिलहाल। तो हैकर बहुत आ रहे हैं तो बहुत परेशान हो गए हूँ। मेरा कितना माइनस हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिर भी आपको सर्वाइव करके कैसे कंकरण करना है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी, और कैसे सर्वाइव करना है लास्ट तक वो तो नेक्स्ट वीडियो आएगी। लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया, आपको एस मास्टर से पहले ही कंकरण लगा लेने की ट्राई करना है, नहीं तो आपका बहुत मुश्किल है कंकरण तक जाना। कंकरण टाइटल लेना बहुत मुश्किल है इस मास्टर के बाद। तब जितना हो सके मैंने ये गलती की, मेरे गलती ये की कि 10 दिन के बाद मैंने रैंक को स्टार्ट की। अगर पहले दिन से स्टार्ट किया होता तो मेरा हो जाता कंकरण हो जाता। तो आपको पहले दिन से रैंक को स्टार्ट करनी है अगर आप कंकरण सोलो में करना चाहते हो तो, ठीक है। सोलो या डुओ में भी करना चाहते हो तो पहले दिन से ही आपको ट्राई करना है, नहीं तो आपको बहुत हार्ड है इस मास्टर के बाद। जितना हो सके आप पहले दिन से ही रैंक स्टार्ट कीजिए और इस मास्टर से पहले आप कंकरण लगा लीजिए, नहीं तो बहुत ही हार्ड है, मतलब बहुत ही हार्ड है। आप 4-5 किल करोगे और टॉप 10 जाओगे फिर भी आपको मुश्किल से 8 या 12+ मिलेगा, नहीं तो आप 20-22 पे आप जाओगे, 3 किल 4 किल करोगे तो आपको मुश्किल से 2 या 4+ मिलेंगे या प्लस ही नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और हैकर आके भी माइनस लगा देते हैं और क्या ही बोलूँ मैं, मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। इस 4 दिन में मैंने प्लेटिनम सेस कर डाला, उसमें बिल्कुल माइनस नहीं गया। और इस तक तो आपको रेटिंग प्रोटेक्शन का लगता है तो आपका माइनस जाने से बच जाता है, आप इस तक तो तुरंत कर पाओगे। और मैंने नहीं लगता फिर भी मैं 2 ही बार एस के बाद माइनस गया, एस मास्टर के बाद बहुत माइनस गया। और आज मैं 11 सितंबर है उस दिन मेरे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत माइनस गया और यहाँ पे मैं एक असली बंदे को मार लेता हूँ और यहाँ पे एक किल के साथ चिकन निकलूँगा। लास्ट वाला बंदा मेरे पे AWM से पीक लेने की कोशिश कर रहेगा, लेकिन वो पीक ले उससे पहले मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ, नहीं तो मैं उसको टाइम देता तो मेरे को ख़त्म कर दे देता, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी सामने वाले को आपको टाइम नहीं देना है, आपको आपके पास पीक कर उससे पहले आपको ख़त्म कर देना है। तो हैकर का बहुत डर रहता है फिर तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको इस मास्टर से पहले ही है कंकरण लगाने की ट्राई करना है। मैंने 10 दिन बाद ट्राई किया रैंक पुश तो बहुत यहाँ पे मेरे को पछतावा हो रहा है,
बाकी यहाँ पे लोबी हल्की थी तो मैंने 5 बोट मारे, वो 5 रियल यानी 10 किल के साथ चिकन निकलता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको सर्वाइव कैसे करना है, तो आपको शुरू में अपना एक हॉट ड्रॉप बना लेना है और वहीं आप अपना एक परमिडन लोकेशन हॉट ड्रॉप बना लेना है, उधर ही आपको उतरना है और लूट मार के आपको जोन में ही पड़े रहना है। 3-4 जोन, ठीक है, 3-4 राउंड आपको जोन में ही पड़े रहना है और यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लूट ले लेनी है और हल्के तो ज़्यादा कर रहा है, पहले मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। जैसे कि आपने देखा बंदा मेरे पे पीक लेने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ही मैंने उस पर पीक ले लिया और मार दिया और चिकन डिनर निकाल दिया, ठीक है। तो अच्छा प्लस मिल जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हैकर बहुत आ रहा है, तो जितना हो सके आपको पहला दिन, बाकी तो बहुत हैकर आ रहे हैं। तो अभी अभी की क्या रैंक चल रही है तो वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि मैं और लेटेस्ट मतलब आपको कैसे रैंक पुश करना है हैकर लॉबी में, वो अभी मैं वीडियो बताऊंगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, तो अच्छी लगे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल को। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें अच्छे से मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सर्वाइव करना है हैकर लॉबी में। लाइक करो शेयर करो।